नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से इस एपिसोड में। जैसा कि साथियों आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हम किस तरह से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आदिवासी जनजातियों का जो जीवन शैली होता है, उनके जो परंपराएँ और संस्कृति होती हैं, उनसे जुड़ी हुई किंवदंती जनश्रुति एवं कहानियाँ होता है और उनके जो व्यंजन होता है उसको दिखाते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के इस एपिसोड में भी हम आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्यंजन है जिसके बारे में बताने वाले और साथ ही साथ जो आदिवासी जनजाति समुदाय के जो यहाँ पे लोग हैं किस तरह से तरक्की की ओर हैं, क्या क्या उन्नति कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त के शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड में। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ एक गुड़िया है, भांजी है, हमारे आमचो लाड़ी नाम के एक स्थान है। बस्तर संभाग में हमारा टीम घूम रहा है, बस्तर संभाग का जगदलपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क को क्रॉस करने के बाद मांझीपाल नामक एक गांव है। मांझीपाल में एक बहुत ही खूबसूरत सा होम स्टे है। एक बात बता दूं आपको, बस्तर संभाग में अभी होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा है। तो जो होम स्टे कॉन्सेप्ट के जनक हैं जैसे कि हमारे रजनीश भैया, शकीर रिजवी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं बोला जा सकता, दो या तीन लोग जो पिछले 20-25, रजनीश भैया का तो लगभग 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। तो हम लोग आमचो लाड़ी पहुँचे हुए हैं, इस होम स्टे का नाम है, जहाँ पे ये जो गुड़िया बना रही है व्यंजन, क्या बना रही हो गुड़िया? हांडी चिकन। हांडी चिकन, गुड़िया का नाम है राजश्री, राजश्री ना, प्यार से राशि बोलते हैं। तो ये गुड़िया बना रही है, देख रहे हो, काफ़ी स्वादिष्ट हांडी चिकन हम लोगों के लिए। और इस स्थान में जहां हम हैं आमचो लाड़ी, ये कोई मामूली स्थान नहीं है, मतलब यहां पे हमारे देश या हमारे राज्य के अलावा विदेशों से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। कौन कौन से देश से, दूसरे देश से लोग आए हैं यहाँ पे? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की, अर्जेंटीना, ऐसे कई सारे। बाप रे, लगभग मतलब दर्जनों देश का इन्होंने नाम गिना दिया। हम लोग रात को बैठ कर रजनीश भैया से भी बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि 20 से 25 से अधिक देशों के लोगों ने यहाँ आ करके, हालांकि जो ये आमचो लाड़ी है इसे बने हुए 2 या 3 साल ही हो रहे हैं और इससे पहले इनका होम स्टे था कहाँ, गांव में, विलेज में ना, मांझीपाल में। क्या नाम था उस होम स्टे का? वो भी मांझीपाल के नाम से था। तो मांझीपाल नामक होम स्टे था जहाँ पे काफ़ी फॉरेनर जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में आ करके इस क्षेत्र को समझने के लिए, इस क्षेत्र के लोगों को समझने के लिए लोग आते थे। तो फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे कुकिंग में। और एक चीज़ और बता दूं राजश्री के बारे में, राजश्री आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? एम ए क्या सब्जेक्ट में किया है आपने? एंथ्रोपोलॉजी में। और PhD करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमारे क्षेत्र की बेटी हैं, बहन हैं, इन लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह जानकर के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, अगर आप जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। फिलहाल आज का जो हमारा व्यंजन है हांडी चिकन है, ये देसी चिकन का बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों को देसी, हम ही लोग चिकन लेकर के आए थे तो बॉयलर चिकन हम लोग गलती से ले आए, तो बॉयलर चिकन से ही फिलहाल बना रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राशि ने क्या क्या है राशि, इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन, हाँ, और धनिया पत्ती, जंगली धनिया। जंगली धनिया है? हाँ, अच्छा, इसका खुशबू तो मुंह में पानी आ जा रहा है, खुशबू सूंघने से ही। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स इन्होंने तैयार किया है सील में पीस करके, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। और यहाँ पे हल्दी है, मिर्च है, टमाटर है, धनिया पाउडर है, ये मसाला है शायद तक, है ना, और ये नमक है और तेल। और ये सारे मिट्टी के बर्तनों में बन रहा है, वो चिकन भी मिट्टी के बर्तन में बन रहा है। और मतलब मैं बोलते बोलते इतना मुंह में पानी आ जा रहा है ना कि बनने के बाद क्या मज़ा आ जाना है। तो चलिए कुकिंग पूरा दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद इसका स्वाद भी बताएंगे। Thank you.
इतना पकने के बाद मसाला डालोगे रस? अभी ये लाल हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, ऐसे दिखेगा अभी ये पूरा। इसके बाद इसको निकालेंगे, फिर मसाला तैयारी करेंगे। गया, लाल हो गया, कलर आ गया, अभी इसको उतारेंगे। मसाला तैयार किए हैं, तेल गरम हो गया, अब डालेंगे इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन और जंगली धनिया। ये घर में ही होता है, ये सब हम लोग उगाए हैं, तो इसको डालते हैं। लगभग हमारा जो ये मसाला है वो पक कर के तैयार हो चुका है, और राशि बोल रही है कि एक बार चक के देखिए। वैसे तो जनरली हम लोग, ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, चलेगा, थोड़ा कम कर दो। वैसे तो जनरली हम लोग पूरा रेसिपी पक जाने के बाद ही टेस्ट लेते हैं, लेकिन ये पहला रेसिपी है जिसको मसाले का टेस्ट लिया जा रहा है, और इतना लजीज और स्वादिष्ट दिख रहा है, जैसा कि मैं शुरू से बोलूँगी मेरे मुँह में पानी ही आ रहा है। ये चाट जैसे लग रहा है, एकदम गुपचुप चाट में जैसे खाते हैं वैसा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट। मात्र ये मसाला भी एक प्रकार का सब्जी है, इसमें भी खाना खाया जा सकता है। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, तो मसाला तैयार हो गया, अब डाल रहे हैं चिकन जो तला हुआ था उसको। तो हमारा हंडी चिकन अब पक गया, हो गया, अब उतार रहे हैं हम। साथियों, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने चिकन का रेसिपी को तैयार किया। ये हांडी चिकन हम लोग शुरुआत में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे कि इसका नाम हांडी चिकन बोल रहे थे। रजनीश भैया जब आए, ये घर के मुखिया हैं, हम चुलाड़ी के मुखिया, तो इन्होंने बताया, नाम क्या है इनका? पतली, पतली चिकन, पतली में बनाया हुआ चिकन है। तो आपने थंबनेल में भी देखा, थंबनेल में भी हमने पतली चिकन लिखा है। बस शुरुआत में हमने इसको हांडी चिकन नाम इसलिए दिया क्योंकि हम शहर के रहने वाले हैं, वो हांडी समझ रहे थे उसको, वो हांडी ना होकर के पतली निकला बाद में, क्यों भैया? तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, जैसे कि यहाँ पे बहुत फॉरेनर क्लाइंट्स आते हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स भैया बहुत ना के बराबर लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, कारण भी बता देता हूँ कि कारण ऐसा है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, या ये कोई ऐसा हंसी मजाक का प्लेस नहीं है जहाँ पे आप आएंगे कुछ चार जगह देखेंगे और चले जाएंगे। यहाँ को आपको जनजाति जीवन को महसूस करना हो, समझना हो और यहाँ के बारीकियों को जानना हो तभी आप यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे कोई होटल या रेस्टोरेंट के स्टाइल में आपको खाना या ये सारी चीज़ नहीं मिलेंगे, आपको एक फैमिली के साथ जीने का अनुभव मिलेगा। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जब रजनीश भैया बता रहे थे मैंने महसूस किया कि रजनीश भैया आपका पूरा नाम बताइए? रजनीश पणिकर। लेकिन इन्होंने अपने जो वाइफ हैं, जो हमारी भाभी हैं, उनका नाम इन्होंने बताया नाग, उर्मी नाग, उर्मिला नाग। हाँ, तो यहाँ पे खुद ट्राइबल कम्युनिटी से इन्होंने शादी किया है और आज तक उनको उनके जो सरनेम से उनको संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर के, भैया ने मुझे कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था कि मतलब उनको आज भी वो नाग के सरनेम से पुकारते हैं, चाहते तो वो अपने सरनेम के साथ पुकार सकते थे लेकिन उनको सम्मान आज भी दे रहे हैं।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या सम्मान मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप घूमने आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ मत आइए, आप तीरथगढ़, चित्रकूट या अन्य जगह जाइए, घूम करके आ जाइए, मेन स्ट्रीम को देख लीजिए। और अगर आपको जनजातीय जीवन को समझना है, बारीकी से जानना है, तो रजनीश भैया के पास आकर के यहाँ समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए चावल बना है, दाल बना है, और जो हमारा पतली चिकन बना है, उसके टेस्ट करके बताते हैं। और क्या टेस्ट है, क्या स्वाद है, बारी बारी से हमारी जो भांजी हो गई भी आज। हाँ, मेरे को बाद में पता चला, मैं इसको बहन के रूप में ले रहा था, लेकिन बताया कि आपको ये मामा और उनको मामी, हाँ, तो मैं बोला कि अपन भी मामा है, मैं कंस मामा बना, ये शकुनी मामा बना। कटप्पा मेरे को बना, कटप्पा नहीं, कटप्पा लोकी को बना देते हैं फिर यार। तो ये यहाँ पे हमारी जो भांजी है वो हमको सर्व कर रही है चिकन को, पतली चिकन, देखते हैं कैसा स्वाद है। हालांकि मैंने आपको इसका मसाला टेस्ट करके ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले मैं पतली जो है वो एक्चुअली जिसमें जो चिकन बना है, जिसमें जो पात्र था टेराकोटा का जो बना हुआ, हाँ हाँ, वो हंडी नहीं है ना। अच्छा अच्छा, वो टेराकोटा का, उसको जो गांव में पतली कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसमें जिसको हम लोग हांडी बोल रहे थे, हाँ, वो हांडी ना होकर के पतली है। तो क्या होता है कि एक आप साउथ में भी जाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल में जाएंगे, वहाँ पे मछली जो है, हाँ हाँ, वो कोशिश करते हैं कि ना ऐसे ही टेराकोटा के बर्तन में। अच्छा अच्छा, एक स्वाद जो है, हाँ हाँ, अलग डिफरेंट आता है, मिट्टी का जो टेस्ट आता है, टेराकोटा में आप कुछ भी बनाएंगे, हाँ, 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 स्वाद अलग आता है। तो ये स्वाद को हम लेके बताते हैं, पका हुआ है चूल्हे में, लकड़ी में, है ना। तो ये स्वाद को हम लेकर के बताते हैं आपको। मेरे पास तो पीसेस बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, मेरे को दे दो, सॉरी भैया, इससे दोस्ती नहीं। बहुत ही लाजवाब मिर्च मसाला, हर एक इंग्रेडिएंट जो डाला हुआ है एकदम बराबर नाप तौल के। अब मैं जो खाते हुए बता रहा हूँ, जब बना रहे थे तो मैं यहाँ पे नहीं था। हाँ, आप नहीं थे उस समय, बट अभी मैं खाते हुए मेरे को फील हुआ कि आप लोगों ने, मतलब मेरी भांजी ने, राशि ने, वो यहाँ जो जंगल का धनिया है वो यूज किया है। हाँ, 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 इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी ऑडियंस को, मेरे को पता नहीं था, आप लोगों ने बताया नहीं, खाके भी टेस्ट आ रहा है उसका। तो साथियों, आई होप आपको आज का हमारा जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नहीं हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत हम वीडियोज़ बना करके लेके आते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।